साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर हम विदेश नहीं जा सकते, हमारी ये प्रॉब्लम है, आप बताइए। कुछ सारे कमेंट ऐसे आते हैं सर कौन कौन सी बीमारी से बंदे जिसके प्रॉब्लम है वो विदेश नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा यार एक की जब को आंसर दूँ उससे बढ़िया कि पर्टिकुलर मैं वीडियो डाल दूँ ताकि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि अपनी ये प्रॉब्लम है क्या हम विदेश जा सकते हैं। उनको पता नहीं होता, काफ़ी सारे एजेंट उनको बेवकूफ़ बना देते हैं कि हाँ तेरा काम करवा दूंगा, पैसे ले लेते हैं, फिर तेरा काम नहीं हो रहा वगैरह वगैरह प्रॉब्लम होती है। तो इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, एक नया चैनल सेकंड चैनल मैंने बनाया है लीगल एडवाइस से रिलेटेड, कानूनी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी मेरे सेकंड चैनल से संबंधित। तो रिक्वेस्ट यह है कि उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कानूनन संबंधित जैसे विदेश से संबंधित मैं जानकारी आपको देता हूँ वैसे कानून से संबंधित आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। इससे आपको सही मोटिवेशनल मिलता रहे, जैसे आप कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपको नॉलेज होता है तो आप उस समस्या का समाधान अपने आप कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी ठगी होती है जो आने वाले टाइम पे मैं धीरे धीरे उस चैनल पे बताता रहूंगा कानून से संबंधित। तो रिक्वेस्ट करूंगा साथियों चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में इसको बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी बीमारी वाले बंदे विदेश नहीं जा सकते। जी हाँ, तो साथियों मैंने 5-6 टॉपिक लिखे हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप भाई विदेश नहीं जा सकते। हाँ, कुछ अनफिट से रिलेटेड जॉब आते हैं शटडाउन में, उसमें जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम हो गई तो आप जा ही नहीं सकते, जा सकते हैं। उनके अल्टरनेट अलग होते हैं, उनके वो अलग वीडियो में मैंने पहले भी बताया है, आगे और बताते रहेंगे। बात करेंगे फर्स्ट में साथियों मेन है ब्लड। अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, अब ब्लड में बहुत सारी रोग, सब लगभग ब्लड में ही रोग होते हैं, इसलिए इसको टॉपिक को शॉर्ट किया है। ब्लड में आपके कैंसर भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है। पीलिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीलिया मोतीबिंद ये होते हैं ना, ये जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड जांच होता है और जांच में अगर उसके वायरस आ गए तो आप अनफिट हो जाओगे। तो ब्लड में आपके प्रॉब्लम है तो आप नहीं जा सकते। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भाई पाइल्स का ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। आप इलाज करवा के एकदम सही हो जाओ तो इसमें आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पाइल्स है फिर आप जा रहे हो तो मेडिकल अनफिट हो जाओगे। अगर इंडिया में मेडिकल हो रहा है तो 100% ही मेडिकल अनफिट हो जाओगे, और वहाँ जाने के बाद भी भाई प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सरे में, अगर आपके एक्सरे में दाग आ रहा है तो भाई आप नहीं जा सकते, इसका इलाज बहुत कम है मेरे भाई, होता ही नहीं है, क्योंकि ये अक्सर ये कोई बीमारी नहीं होती। कुछ न कुछ टीबी की वजह से कुछ एक्सरे आप अपने जो फेफड़े उसमें दाग हो जाते हैं, तो इस चक्कर में ये एक्सरे में फिर दाग से आते हैं और बंदा इसमें नहीं जा सकता। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 80% लोग इसी में अनफिट हो जाते हैं, तो ये बंदे नहीं जा सकते। कम दिखाई देना, 4 नंबर पॉइंट पे बात करूंगा। कम दिखाई देने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको मेडिकल आप इंडिया में करा रहे हो गमका में, ठीक है, तो आपको कुछ नंबर देते हैं आप पढ़िए, तो आप अगर पढ़ पाओगे तो फिट है, नहीं पढ़ पाओगे दिखाई नहीं दे रहा है पास से दूर से तो मेडिकल अनफिट हो सकते हो। तो ये भी कोई खास बीमारी नहीं है, इसका आप इलाज आंखों का करवा के जा सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आते हैं सर मुझे कम दिखाई देता है, सर मुझे चश्मा लगी है तो मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन जो मेडिकल होता है उसकी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। लाइलाज बीमारी 5 नंबर पॉइंट पे मैंने रखा है लाइलाज बीमारी। अब लाइलाज बीमारी में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जो लाइलाज होती हैं। आप यहाँ बैठे हो, पड़ोसी बैठने मात्र से आपको वो बीमारी हो सकती है, छींकी से हो सकती है, स्पर्श से हो सकती है जिसको कोड बोल सकते हैं, या फिर हाथ टच करने से एलर्जी वगैरह, बहुत सारी ऐसी बीमारी लाइलाज होती हैं, उसमें आप नहीं जा सकते। लेकिन इसका इलाज संभव है, आप इसकी इलाज करवा के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैन है साथियों छठा अपंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं सर मेरे हाथ नहीं है, मेरा हाथ एक कटा हुआ है, मेरा पैर छोटा है, मेरी एक आंख नहीं है, हम जा सकते हैं क्या? तो भाई आप अगर आप दिव्यांग हैं, अपंग हैं, अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो इस बात का आपको पता है तो आप नहीं जा सकते। इस बात का ध्यान रखें, किसी एजेंट को पैसे खुद देने की कोशिश ना करें, आपका काम नहीं होने वाला, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो कुछ मैंने 5-6 टॉपिक लिखे हैं साथियों, इसमें देखिए ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरे 2 बीमारी हैं, बाकी तो हर बीमारी का इलाज, पाइल्स का इलाज हो जाएगा, कम दिखाई देता है इसका इलाज हो जाएगा, लाइलाज बीमारी अच्छा डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे इलाज 100% हो जाता है। अपंग है भाई ये तो भगवान की देन है, इसका कुछ नहीं हो सकता।
ये बंदे नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी मेन बीमारी वही है, ज़्यादा इतना कोई हार्ड नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाया कि अगर ये बीमारी आप में से किसी को है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करवा के आप विदेश जा सकते हो। आज के लिए इतना ही साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज इसी तरह के टॉपिक पर आपको जानकारी मिलती रहे। और हाँ, नए चैनल पर जाके उसको जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक डाल रहा हूँ। जय हिंद, वंदे।